नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए गए दून मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण की। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया, जहाँ सीएम धामी ने अस्पताल परिसर में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को अस्पताल परिसर में स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अस्पताल में आए मरीजों का हालचाल जाना और व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से भी बातचीत की और अस्पताल में मौजूद संसाधनों, डॉक्टरों की उपलब्धता और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर, खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर सभी के बारे में जानकारी ली, जहां मुख्यमंत्री ने अस्पताल में मौजूद मरीजों के लिए बन रहे खाने को भी खुद जाकर चखा। तो बेटे में बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर जसपुर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो जसपुर में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां जसपुर के ठाकुर द्वार मार्ग पर स्थित काव्या पैलेस में बीजेपी लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन में प्रदेश संयोजक पूर्व कृषि मंडी परिषद अध्यक्ष गजराज सिंह वशिष्ठ ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस नेता MP सिंह चौहान के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहाँ लाभार्थी सम्मेलन में बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। और हम लोगों ने मोदी जी की जो योजना है, NRLM की योजना है, उसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 5-5 लाख तक का बिना ब्याज का ऋण दिलवा रखा है। और अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, इससे हमारे रोजगार को काफी लाभ मिला है। और आयुष्मान का कार्ड है, अभी मेरा खुद का स्वास्थ्य खराब हुआ था, इसी के साथ मेरा इलाज हुआ था, बहुत अच्छे से इलाज हुआ। तो बेटे ने बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के बेलरा गांव मृतक परिवार से मिलने पहुंचे। तो रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलरा गांव में दलित समाज के युवक की मौत के बाद बवाल के बाद अब राजनीतिक लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेलरा गांव पहुंचे और दलित समाज के पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस घटना में महिलाओं की निर्ममता से कुपी से पीटा गया है, जबकि एक युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम में कुछ ऐसे निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की गई है जो मृतक युवक के परिजनों को संवेदना देने आए थे। हरीश रावत ने इस मामले को लेकर निष्पक्ष जाँच करने की भी मांग की है। मैंने अपना बेटा खोया है, वो इस पक्ष से मिला हूँ, सुरेश जी के उन लोगों से मिला हूँ जिनकी पिटाई हुई है। मैं उन लोगों से भी बातचीत करूँगा अगले चरण में, जो लोगों को कुछ और बातें भी कहनी है तो मैं उनसे भी मिलने आऊँगा, उनसे भी बातचीत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम सबका सामूहिक दायित्व है, सरकार हो विपक्ष हो, कि बेलड़ा में सद्भाव रहना चाहिए। एक धरती है, हम सबकी सामूहिक धरती है, ये धरती में जो है प्यार और स्नेह से रहना है। और उसके लिए आवश्यक है कि जो इस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम में निष्पक्षता से, दृढ़ता से काम हो, मुख्यमंत्री पीड़ित पक्ष के साथ दिखाई दे, उनकी भावनाएं। तो बेटे में बात श्रीनगर गढ़वाल की कर लेते हैं, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें कि लव जिहाद मामले को लेकर लोगों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। तो चकराता और पुरोला में उठी कथित लव जिहाद की आग अब प्रदेश के बाकी हिस्सों में पहुंचने लगी है। औड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में हिंदू युवती और मुस्लिम समुदाय के युवक के बीच कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस दौरान लोगों को आरोप है कि मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को मामले की भनक लगी और गलत कदम उठाने से पहले ही स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस पूरे मामले की सूचना की, जहां घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल की व्यापार सभा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पुलिस से इस तरह के मामलों पर रोक लगाने की मांग की, तो वहीं कई लोगों पर सत्यापन की भी मांग की। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, ये जो लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को बैरगला करके, फुसला करके, इस प्रकार की घटनाएं जो उत्तराखंड में बड़ी हैं, उसी प्रकार की घटना श्रीनगर में हुई। अभी 3 दिन पहले जो एक लड़की को, मुसलमान लड़का
जो कि जिसका बाप की यहाँ पे अचार बेचता था, और उस लड़के ने बेला फुजला करके वो भगाने की पूरी तैयारी कर दी थी उस लड़की को। वो तो अचानक खबर लग गई कि वो लड़की जो है यहाँ से वो भगाने वाला है, और हो क्या रहा है, ये लोग भगा के ले जा रहे हैं, इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदू लड़कियों का। और फिर बाद में क्या हो रहा कि आ करके उनकी 300 टुकड़े करके और सूटकेस में बंद होकर के आ रहे हैं, ये उनके सारे ऑर्गन्स बेच रहे हैं। का ये आश्वासन है कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने लड़की के पापा पिताजी को यहाँ पे बुलाया था, और उनका कहना ये है कि लड़की की तरफ से भी FIR दर्ज नहीं हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने साफ संतुष्ट शब्दों में कोतवाल साहब को ये याद दिलाया कि एक बार यहाँ पे MMS कांड हुआ था, और इन्हीं के जो जाति का था, मुसलमान लड़का था, उस समय यहाँ पे बहुत बड़ा घपला हुआ था, और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमने प्रशासन से ये चाहते हैं कि आप जो है इसमें सख्ती से कार्रवाई करें। अगर जिस जो अगर इस तरह के कोई मुसलमान लड़के हैं, कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, तो जो जो मतलब चोर है तो उसको चोर बोलने में हमें कोई वो कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हमारे व्यापारी आए थे, ये शहर के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, कुछ व्यापारी भी आए, और ये जो आजकल घटनाएं घटती हैं, उनके द्वारा बताया गया कि यदि किसी भी साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके संबंध में तुरंत अधिक कार्रवाई हो, इसलिए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। ये थाने पर आए सर, कुछ पर्टिकुलर कोई मामला था क्या कुछ ऐसा? नहीं, ये जो आजकल आमतौर पर सोशल मीडिया और उसके माध्यम से जो पोस्टें होती हैं उसी को लेकर। तो बेटन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया है। तो काशीपुर में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा की तरफ से निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया गया है, जहां विधायक के साथ पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने ROB की कार्यदायी संस्था के निर्देशक दीपक बिल्डर के साथ मिलकर पुल का निरीक्षण किया है। बता दें कि ROB निर्माण में हो रही देरी को लेकर यह निरीक्षण किया गया। इस दौरान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा है कि आने वाले 2 महीने में पुल निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पहली डेट जो है 20 जून दी थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि ये बहुत हेवी स्ट्रक्चर है, और कोई भी प्रेशर के साथ कुछ कोई एरर हो जाए, कोई फैब्रिकेशन में गलती हो जाए, इरेक्शन में कोई गलती हो जाए, तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन क्योंकि अब समय बीत चुका है, तो आज हम लोगों ने इन लोगों दीपक बिल्डर्स की मीट ली है, तो उन्होंने अपनी मुश्किलें भी बताई हैं, कुछ बेयरिंग के इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम बताई है, कुछ इंस्पेक्शन जो वेल्डिंग का इंस्पेक्शन होना है उसमें कुछ डिले बताई है, तो वो हमने एक्सचेंज जो इनके NH के हैं उनसे बात करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीनों में ये कार्य खत्म हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं बीच बीच में हम लोग इसको फॉलो भी करते रहेंगे ताकि जो इन्होंने डेडलाइन अब दी है उसमें कार्य खत्म हो जाए। पिछले चार महीने से लगातार यहाँ काम चल रहा है, और जो कार्य हो रहा था उसको विभाग के द्वारा भी और प्रशासन भी लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहा था। अभी 2 रेलवे के इंस्पेक्शन रह गए हैं, वो होने के बाद जो शेष काम है वो होना है, तो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा, और प्रयास ये किया जाएगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। और इस एक मीटिंग के दौरान एक जल भराव की समस्या आई है, तो ड्यूरिंग द वर्क जो है हम एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन निकालेंगे, और काम पूरे होने के बाद एक परमानेंट सोल्यूशन रहेगा कि यहाँ जल भराव की कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो बेटन में बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने बंदरों की मौत के मामले का खुलासा किया है। तो उधम सिंह नगर पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जहां बीते दिनों काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में आम के बाग में दर्जन भर से ज़्यादा एक साथ बंदरों के मरने की सूचना मिली थी, जहाँ पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल काशीपुर में आम के बाग में 2 दर्जन से भी अधिक बंदरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था, जहां स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि बंदरों को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया है, जिसके बाद पुलिस ने मृत बंदरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। अब पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। की घटना है, इसमें 112 के माध्यम से ITI थाना पुलिस को एक सूचना आई, जिसमें जैतपुर मोड़ पर आम के बगीचे में कुछ वन्य जीव मरे हुए पाए गए हैं, ऐसी सूचना दी गई, और साथ ही साथ वहां काफ़ी भीड़ के जमा होने की भी सूचना थी। मौके पे तत्काल ITI थाना पुलिस वहां पहुंची, और वहां पर जो भी लोग थे उनको समझा बुझा कर उनको शांत किया गया। इसी के साथ वहां पे पूरे आम के बगीचे की कॉम्बिंग की गई, साथ ही साथ जितने भी वहां पर जो भी तलाशी ली गई, तो वहां पर 8 वन्य जीव बंदर जो थे वो मृत पाए गए थे और वहां दफनाए हुए थे, उनको निकाला गया। उसके बाद तत्काल तो बेटन बात रुद्रपुर की कर लेते हैं, जहाँ तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि इस हादसे में एक महिला की मौत हुई है।
तो रुद्रपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार बस ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेटे का इलाज कराने दिल्ली जा रही हल्द्वानी निवासी महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं कार में बैठे दंपत्ति के बेटे और चालक को मालूम मिली चोट आई है, जहां हादसे के बाद बस के चालक और परिचालक मौके से फरार हुए। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। देखिए, कल रात में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्द्वानी रोड पे, नैनीताल रोड पे, पंतनगर थाना क्षेत्र में एक कार और बस का एक्सीडेंट हुआ है। इसके उपरांत हमने मौके पर जाके इसकी पूछताछ करी है। इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसको अस्पताल लाने पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। एक व्यक्ति घायल है। ये सभी व्यक्ति जो है परिवार की, दिल्ली से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे और इनकी कार जो है बस द्वारा एक्सीडेंट हो गया है और इसमें अग्रिम विधि कार। तो बेटर में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है। उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला अल्मोड़ा का है, जहां फलसीमा के पास एक कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में चालक की मौत हुई है। दरअसल अल्मोड़ा के फलसीमा क्षेत्र में एक कार 700 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार के परकचे उड़ गए। वहीं कार का चालक बुरी तरह से घायल हुआ। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल को बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। एक सूचना मिली थी कि यहाँ फलसीमा के पास एक बैंड पे जो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है, और उसमें देखा गया तो एक व्यक्ति उसमें सवार था। ये सूचना मिली है और उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और गाड़ी खाई में ही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी अज्ञात कारणों से कहीं अनियंत्रित होकर जो है उसमें गिरी। तो बेटे में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहाँ प्रशासन प्री मानसून की तैयारियों में जुट गया है। तो हल्द्वानी में प्री मानसून के साथ ही प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुट गया है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी लैंडस्लाइड जोन और संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पॉकलैंड पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया है कि जिले प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियां स्थापित किए जाने को लेकर सभी डेंजर पॉइंट और भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित कर सरकारी मशीनरी को समय पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही जिन इलाकों में संपर्क टूटता है, वहां खाने पीने का सामान भी समय पर पहुंचाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मानसून के संबंध में जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगह पे 24/7 कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति पर मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो भी समस्याएं बरसात के समय में सामने आ रही हैं, कहीं मलबा इत्यादि आने से रोड बंद होने की, कहीं पर पानी इत्यादि भरने की, वहाँ पर जो रेस्क्यू होना है या जो टीमों को राहत सहायता पहुँचाई जानी है, उनके माध्यम से तत्काल सहायता पहुँचाई जा रही है। सभी विभागों को अलर्ट मूड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी न्यूज़।